नमस्ते, मेरा नाम राहुल गौड़, मैं बानसुर का निवासी। मैं यहाँ पर लोयती गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक इंडिया स्टेम फाउंडेशन के तहत लगाई गई लैब स्टेम लैब के अंदर एक रोबोटिक्स ट्रेनर हूँ, जो कि हम यहाँ पर बच्चों को इंडिया स्टेम फाउंडेशन के तहत व स्टेम एजुकेशन के तहत नई नई तकनीकों से बच्चों को रूबरू करवाते हैं, नई नई तकनीकों के बारे में सिखाते हैं व टेक्नोलॉजी के जो अवेयरनेस हैं उनके बारे में सिखाते हैं, बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं, इनोवेटिव बनाते हैं। इसमें हम स्टेम एजुकेशन प्रदान करते हैं बच्चे को, जिसमें बच्चा 0 लेवल से ही लेकर 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम स्टेम एजुकेशन देते हैं, जिसमें हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथमेटिक्स जैसी विषयों को एक साथ में रखते हुए हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, जिससे बच्चा शुरुआत से ही लेकर 6ठी कक्षा से ही लेकर अपने आप को क्रिएटिव बनाते हुए, अपने आप को एक इनोवेटिव बनाते हुए, आविष्कारक बनाते हुए नई नई तकनीकों के बारे में सीखता है, नई नई चीज़ों के बारे में जानता है, नई नई खोजों को करता है। साथ में बच्चा नई नई जो प्रॉब्लम्स उसके सामने आजकल आती हैं उन प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है और फेस करके उनका सॉल्यूशन फाउंड आउट करता है। जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आज के दिनों में देखने को मिलती हैं तकनीक से संबंधित, उन्हें हम लोग एक जो लैब दी गई है हमारी स्कूल लोयती के अंदर स्टेम लैब, उसके अंदर हम लोग बच्चों को उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना बताते हैं, जिसमें हम बच्चों को नई नई तकनीक में जैसे कि 3D प्रिंटिंग, अभी हमारे जो नई तकनीक है 3D प्रिंटिंग, उस 3D प्रिंटिंग के बारे में हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं, जिसमें बच्चों को 3D डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग एंड 3D प्रिंटिंग के बारे में बताया जाता है। हमारी लैब के अंदर 3D प्रिंटर दिया गया है, जिसमें हम बच्चों को एक मॉडल तैयार करके बताते हैं और फ्यूचर में उसका क्या यूज होगा, क्या बेनिफिट होगा, उनके बारे में बच्चों को सिखाते हैं। इसी के साथ हम और भी तकनीकों के बारे में बताते हैं, जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसा कि आज हमें सभी को भी मालूम होगा, इंटरनेट का ज़माना है और सभी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, हमारे सभी गैजेट्स इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आजकल सभी जो गैजेट्स है ऑटोमेशन में आ चुके हैं, तो हम लोग बच्चों को उस जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, उससे रूबरू करवाने के लिए हम बच्चों को वो चीज़ें प्रदान करते हैं, एक ऐसी एजुकेशन प्रदान करते हैं जिससे कि बच्चों को IoT के बारे में मालूम हो कि वो गैजेट्स कैसे काम कर रहे हैं, उनमें क्या लगा हुआ है, उनका क्या बेनिफिट है। तो IoT के अंदर हम जैसे कि ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम या सिक्योरिटी अलार्म, या फिर हम लोग LED बेस्ड सिस्टम या सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट्स बच्चों को बनाना बताते हैं, बच्चों को लर्निंग करते हैं उससे, और बच्चे उन चीज़ों को सीखकर अपने आप में एक अच्छा क्रिएटिव व इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जिससे कि बच्चे आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस ना कर सके। मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ और हमारे यहाँ पर एक लैब स्टेम लैब स्थापित की गई है, जिसके तहत हम बहुत सी तकनीकों के बारे में सीखते हैं। इससे हम जैसे आज हमने एक रोड लाइट का मॉडल बनाया है, रोड लाइट में हमने अडिनो यूनो बोर्ड, LED, LDR सेंसर, बैटरी और जम्पर वायर यूज किया है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ इंडिया स्टेम फाउंडेशन व युवा जागृति संस्थान बानसुर। मेरा नाम सिमरन है, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोयती है। हमारे विद्यालय में एक स्टेम लैब लगाई गई है, इसके तहत हमें यहाँ पे नई नई तकनीकों के बारे में सिखाया जाता है। हमने आज एक मॉडल बनाया जो इस तरह चलता है, हम इसके पास जाते हैं तो ये ऑन हो जाता है, हम इससे हटते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। इसको चलाने के लिए हमने इसमें IR सेंसर, Arduino यूनो बोर्ड, बैटरी, मोटर व मोटर ड्राइवर का उपयोग किया है। इस लैब को प्रदान करने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं इंडिया स्टेम फाउंडेशन व युवा जागृति संस्था बानसुर को। मेरा नाम प्रीति है, मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोयती में पढ़ती हूँ। आज हमने एक ऑटोमेटिक टोल टेस्ट का मॉडल बनाया है, जिसमें हमने इस अडिनो यूनो बोर्ड, सर्वो मोटर, बैट बोर्ड, अल्ट्रासोनिक सेंसर, आइसक्रीम चम्मच,
ब्लैक चार्ट गत्ता और 9 वोल्ट की बैटरी का उपयोग किया है। जब हम किसी गाड़ी को इसके पास ले जाते हैं तो इसका गेट खुल जाता है, फिर निकाल देते हैं तो ये बंद हो जाता है। हम धन्यवाद करते हैं इंडियन स्टेम फाउंडेशन व युवा जागृति संस्थान को, बांसुर को। इसके लैब को स्टेबल करने के लिए, यहाँ पर लोयती में स्थापित करने के लिए हमारा जो संस्थान है इंडिया स्टेम फाउंडेशन व हमारा जो संस्थान को सहयोग देने वाले हमारे युवा जागृति संस्थान बांसुर के जो CEO हैं हमारे मिस्टर गोकुलचंद सैनी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लोयती टीम की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इतनी अच्छी लैब प्रदान की और एक ऐसी एजुकेशन देने के लिए हमें चुना गया जिससे कि हम बच्चों को नई नई एजुकेशन, नई नई टेक्निक्स के बारे में बता सकें, पढ़ा सकें। तो थैंक यू सो मच गोकुल सर एंड इंडिया स्टेम फाउंडेशन, थैंक यू सो मच।